बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मोडर्ना वैक्सीन जो कि पाकिस्तान में ओवरसीज पाकिस्तानियों को लगाई जा रही थी तकरीबन एक हफ्ता पहले, इस वैक्सीन का स्टॉक पाकिस्तान में खत्म हो गया था, जिसके बाद बहुत से ओवरसीज पाकिस्तानी मुश्किलात का शिकार हुए और वैक्सीन सेंटर से जलील होकर वापस आए। अब उनके लिए अच्छी खबर ये है कि मोडर्ना वैक्सीन दोबारा पाकिस्तान पहुँच चुकी है। ये आप असद उमर का ट्वीट देख सकते हैं, जिसमे वो बता रहे हैं कि अमेरिका से मोडर्ना वैक्सीन की 25 लाख डोजेज पाकिस्तान पहुँच चुकी है। एनसीओसी ने भी इसे ट्वीट किया है और बताया है कि मोडर्ना वैक्सीन पूरे पाकिस्तान के वैक्सीन सेंटर में पहुंचा दी गई है। पंजाब में 15 सेंटर्स, सिंध में 2, केपी में 13, बलूचिस्तान में 3, आईसीटी में 5, एजेके में 5 और जीबी में 6 हैं। इसके अलावा ये भी बताया है कि ये उन ओवरसीज पाकिस्तानियों को लगाई जाएगी जिनके पास वैलिड वीजा और इकामा है और जहाँ चाइनीज वैक्सीन अप्रूव्ड नहीं है, उन ओवरसीज पाकिस्तानियों को ये वैक्सीन लगाई जाएगी। ये वैक्सीन ज्यादातर सऊदी अरब वालों को लगाई जा रही है क्योंकि सऊदी अरब ने अभी तक चाइनीज वैक्सीन को अप्रूव्ड नहीं किया है। मोडर्ना वैक्सीन इसलिए पाकिस्तानियों को लगाई जा रही है क्योंकि सऊदी अरब ने ऑलरेडी इस वैक्सीन को अप्रूव्ड कर रखा है। अगर आपने अभी तक इस वैक्सीन को नहीं लगवाया तो जल्दी जाएं और अपने करीबी सेंटर से इस वैक्सीन को लगवा लें।